और ये रहा मेन गेट, पर ये मेन गेट से एंट्री है नहीं, तो ये आ गया हमारा थर्ड गेट जहाँ से एंट्री है, पर आप यहाँ से डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए लालबाग के राजा के दर्शन के लिए, वो भी सिर्फ 20 रुपीज़ में। 20 रुपीज़ इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई के बाहर से आते हैं, या मुंबई से भी हो सकते हैं, जिन्हें लोकल ट्रांसपोर्ट से कैसे ट्रैवल करते हैं मुंबई में पता नहीं है, तो उनके लिए होगा ये वीडियो। और मैं मुंबई से हूँ तो मुझे पता है कम पैसे में कैसे मुंबई में ट्रैवल करते, और आगे मेरे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो मुंबई के ऊपर होगा, जो बजट में कैसे मुंबई ट्रैवल करते उसके ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लालबाग से ही शुरुआत करूं मेरे वीडियो का। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लालबाग अकेले जाके रिटर्न आ सकते हो। तो हम लोग जाने वाले लोकल ट्रेन से लालबाग। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँगा कि लालबाग कैसे पहुँचना है लोकल ट्रेन के मदद से। लालबाग का नज़दीकी स्टेशन है लोअर परेल, अगर आप वेस्टर्न लाइन से आते हो तो। अगर आप सेंट्रल लाइन से आते हो तो आपको करी रोड आना है। अगर आपको सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आपको एक मैप दिखाता हूँ। तो इस मैप में आपको दिखता होगा जो ब्लू लाइन है वो है आपका वेस्टर्न लाइन, जो रेड लाइन है वो है सेंट्रल लाइन, और जो ग्रीन है वो है हार्बर लाइन। अगर आप सेंट्रल लाइन से या हार्बर लाइन से आते हो तो आपको करी रोड आना है। अगर आप वेस्टर्न लाइन से आते हो तो आपको लोअर परेल आना है, और जहाँ पे जो लाइन है उसके बीच बीच में आपको स्टेशन का नाम दिखेगा, तो आपका कौन सा स्टेशन है आपको देखना है। अगर आपको पता नहीं है आपका स्टेशन कौन सा है, आपको किसी से भी पूछ लेना है कि आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है करके। तो अभी आपको एम इंडिकेटर डाउनलोड करना होगा। आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से अपने फ़ोन के। आपको मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आपको आपका एम इंडिकेटर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सामने लोकल दिखेगा, तो लोकल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नियर स्टेशन आपको सर्च करना है, जैसे कि मेरा नियर स्टेशन है गोरेगांव, तो मैं गोरेगांव में रहता हूँ, गोरेगांव सर्च करूँगा। गोरेगांव सर्च करने के बाद आपको करना है टू डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैं वेस्टर्न लाइन में रहता हूँ, गोरेगांव वेस्टर्न लाइन में आता, तो हम जाएंगे लोअर परेल, तो लोअर परेल हम सर्च करेंगे। लोअर परेल सर्च करने के बाद मुझे इधर पहले ऑप्शन दिख जाएगा गोरेगांव टू लोअर परेल। तो यहाँ पे मेरा ट्रेन का टाइमिंग आ गया, कितने बजे गोरेगांव से है और कितने बजे लोअर परेल पहुंचेगी, और यहाँ पे बीच में स्टेशन कौन से स्टेशन पर रुकेगी वो भी आ गया, और यहाँ पे साइड में PF4 लिखा है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमें पकड़ना है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें उतरना है। तो ये तो हो गया आपका करंट ट्रेन का टाइमिंग। अगर आप स्टेशन पे रहोगे तो ऐसा सर्च करना, अगर आप घर पे रहोगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जैसे कि अभी मैं क्लिक करूँगा चर्ची गेट, अगर वेस्टर्न लाइन से आ रहे हो तो चर्ची गेट करना, अगर आप सेंट्रल से आ रहे हो तो CSMT पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे पूरा ट्रेन का टाइमिंग दिखा देगा यहाँ पे कितने बजे, तो हमें पकड़ना होगा स्लो। अगर आप लोअर परेल जा रहे हो या करी रोड जा रहे हो तो आपको स्लो पकड़ना होगा, क्योंकि फास्ट रुकती नहीं वहाँ पे, तो हमें स्लो ट्रेन से जाना है। तो आप ओपन कर लोगे जो भी आपका टाइमिंग के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कौन से इस टाइमिंग पे ये ट्रेन रुकेगी, और आपको ट्रेन का टिकट आपको प्लेटफॉर्म पे जाके ही मिलेगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, वहीं पे आपको किसी से भी पूछ सकते हो टिकट काउंटर कहाँ पे, वहीं से आप टिकट निकाल सकते हो। और निकालने के टाइम मैं आपको ये बोलूँगा आप रिटर्न टिकट ही निकाल लेना, और अभी मैंने जो 20 रुपीज़ का जो आपको टिकट बोला वो रिटर्न टिकट है। आप अगर एकदम कोर मुंबई में रहते हो तो आप 20 रुपीज़ में इजीली आ सकते हो, अगर आप थोड़े मुंबई के बाहर रहते हो जैसे कल्याण विल्याण से रहते हो तो आपको 10-20 रुपये और थोड़ा बढ़ सकता है। तो हम लोग पहुँच गए अभी लोअर परेल में। लोअर परेल में उतर के आपको ईस्ट में आना है, तो यहाँ से हमें बाहर की तरफ जाना है, यहाँ पे सीधा, तो यहाँ पे अभी सीधा जाके हम हमारे के लेफ्ट, हमें सामने मोनो ट्रेन का आपको ट्रैक दिखेगा ऊपर, तो वहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। तो हमने मारा वहाँ से लेफ्ट, और लेफ्ट मार के थोड़ा अभी आप आगे जाओ वहीं पे है करी रोड का स्टेशन। तो हम लोग यहाँ से एक मिनट चलते आए, हम लोग को यहाँ पे सामने करी रोड स्टेशन दिख गया। तो अगर आप करी रोड से आते हो तो यहाँ से ही बाहर आना है, और आपको सीधा सामने की तरफ जाना है, यहाँ पे सीधा आप नीचे से भी जा सकते हो सीढ़ी उतर के, नहीं तो ये रोड से भी जा सकते हो। और आगे जाके आपको 4 रास्ता आएगा, वहाँ से हमें लेना होगा राइट, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आप सीढ़ी उतर के आते हो तो आपको यहाँ पे पहले गणपति का दर्शन मिल जाता है, जो आप इसका दर्शन बाहर से ही लेके जा सकते हो या अंदर भी जा सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिलहाल मैं आगे निकलता हूँ, वहाँ पे लाइन है कि नहीं पता नहीं लालबाग में, तो चलते हैं। तो हम लोग आए यहाँ से, यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे बड़ा सा सिग्नल दिखेगा जहाँ पे 4 रास्ता है बहुत बड़ा, और यहाँ से हमें लेना है राइट। तो यहाँ से राइट लेने के बाद हमें सीधा सीधा जाना है। और एक आपको बोलना चाहूँगा, अपनी पर्सनल व्हीकल ना ही लाए, क्योंकि यहाँ पे टो होती रहती है और पार्किंग का बहुत इशू है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको ट्रेन, जो कि एकदम आपको स्टेशन से उतर दे, 15-20 मिनट के दूरी पे ही आपको लालबाग आ जाएगा। थोड़े दूर आगे आते ही आपको यहाँ पे बहुत बड़ा द्वार देखने मिलेगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लालबाग सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल लिखा है, तो
ये लालबाग का एरिया का नाम है आपका लालबाग करके, और ये मुंबई का राजा, ये भी बहुत बड़ा गणपति, यहाँ पे भी डेकोरेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और लालबाग का राजा इसके आगे आता है, लालबाग एरिया का नाम है और उसकी वजह से लालबाग का राजा नाम पड़ा है वहाँ का। तो ये भी आप देख सकते हो। पहले तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, आप पहले लालबाग जाए उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि लालबाग में ज़्यादा गर्दी होता है और यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत सही होता है, तो इसके बाद यहाँ पे जरूर आए। सेकंड ऑप्शन आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले यहाँ पे आ सकते हो। थोड़ा आगे आते ही आपको यहाँ पे लालबाग पुलिस स्टेशन दिख जाएगा, उसके आगे हमारा लालबाग का ये गेट दिखेगा आपको, ये सामने गेट है। तो ये आ गया हमारा पहला गेट और दूसरा मेन गेट। ना ही ये गेट से एंट्री है, ये गेट से आपको बाहर निकलने का रास्ता बाहर लिखा है वहाँ पे। और ये रहा मेन गेट, पर ये मेन गेट से एंट्री है नहीं, क्योंकि यहाँ से सब VIP लोग को एंट्री है, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए है नहीं। एंट्री किधर से? आगे से। तो आपने सुना, ये मेन है VIP। तो ये आ गया हमारा थर्ड गेट जहाँ से एंट्री है, पर आप यहाँ से डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि लाइन बहुत बड़ी होती है, तो आपको बहुत आगे जाना पड़ सकता है यहाँ पे आने के लिए। तो अभी हम लोग चलते आगे, आपको मैं बताता हूँ कहाँ से एंट्री हो सकती है। मैं जहाँ से बोलूँगा वहीं पे हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं आगे पीछे होता है, जैसा लाइन ज़्यादा रहता है वैसा लाइन आगे आगे को जाती है। अगर आपको पता नहीं चला कैसे जाना है तो ये लोगों के पीछे पीछे आप खाली चल दो, आप बराबर लाइन के जगह पे पहुंच जाओगे। क्योंकि आज मैं आया हूँ दूसरे दिन, तो आज थोड़ी गर्दी कम है, फिर भी देखा जाए तो है, पर आप जैसे जैसे और थोड़े पांचवें दिन छठे दिन आओगे आप, तो आपको और भी कहीं ज़्यादा लाइन देखने मिल सकती है। अगर आपका पहचान है तो आप ऐसे बीच में से जा सकते हो, अगर आपके कोई लालबाग में पहचान वाले तो ऐसा VIP एंट्री है। तो आप अगर कॉमन मैन हो तो मेरे जैसा आप यहाँ से गपचुप लाइन में आपको आगे जाना होगा। तो हमारा लाइन अभी यहाँ से ये लेफ्ट है, तो ये आपको वापस में बताना चाहूँगा, ये लाइन आगे पीछे जाएगी, जैसा गर्दी होगा वैसे आगे पीछे रहेगा। तो हमारे नसीब में अभी यही से था, और आगे भी बहुत लाइन है, ऐसा खुश नहीं होना, आपको यहाँ से मिल जाएगा तो ऐसा डायरेक्ट दर्शन है। अंदर एक मैदान है, उसके अंदर पूरा रिंग घूमते रहता, वो आगे आपको बताता हूँ। और यहाँ पे जो लालबाग के पहचान वाले, वो अपने बंदे लोग को पहले पहले छोड़ते बीच बीच में लाइन के, तो उसको सब इग्नोर मारे, वो सब कॉमन है यहाँ पे। तो फर्स्ट सर्कल हम लोग ने पूरा कवर कर दिया, अभी सेकंड सर्कल में हम लोग आए, और फर्स्ट सर्कल ख़त्म करने में हम लोग को लगभग 55 मिनट्स लग गए, तो लगभग एक घंटा पकड़ो एक सर्कल ख़त्म होने। तो सेकंड सर्कल अभी खाली है फिलहाल, बाकी के दिनों में शायद से भरा होगा। डायरेक्ट जाने का ना नहीं छोड़ देगा आप, पूछे नहीं। दोनों सर्कल होने के बाद आपका 15-20 मिनट बाद ही आपको दर्शन मिल जाएगा, और सामने आपको गणपति भी दिखने चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा 40 रुपीज़ में, तो यहाँ से आप प्रसाद लेके जा सकते हो जियो मार्ट की तरफ से। यहाँ से जैसे बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से हमें जाना है बाहर जाने के लिए, यहाँ से सीधा, और वापस से हम लोग वही रोड पे आ जाएंगे जो आपको बताया था पहला गेट, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और उसके पहले आपको यहाँ पे मार्केट मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना मोदक वगैरह ले सकते हो प्रसाद, तो यहाँ पे बहुत सारे मोदक वाले मिल जाएगा। और दर्शन लेके मैं आ चुका हूँ बाहर अभी, और मेरा लोकेशन देख के आपको लगता होगा ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो फिलहाल अभी मैं थोड़े अंदर आ गया हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा शोर था, तो वीडियो बनाने अंदर आया हूँ। और टोटल मुझे टाइम लग गया दर्शन के लिए 1.5 से लेकर 2 घंटा लग गया, वो भी दूसरे दिन में मुझे इतना
गर्दी देखने मिला। जैसे आगे दिन बढ़ता जाएगा उतना आपको गर्दी देखने मिलेगा। और मैं था अभी मुख दर्शन के लाइन में, और मन्नत वाली लाइन में और भी कई ज़्यादा गर्दी होता है, मतलब 2-3 गुना ज़्यादा गर्दी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जाके पैर के दर्शन करने मिलते हैं लालबाग के राजा के। और उस लाइन में कभी कभी आपको एक दिन भी लग सकता है दर्शन के लिए, तो सोच सकते हो आप कितना क्रेज़ है लालबाग का। और बहुत सारे लोग इस गर्दी से बचने के लिए नाइट में आते हैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए, क्योंकि लालबाग का राजा का दर्शन 24 आवर्स के लिए चालू रहता है, और आपको लास्ट ट्रेन आपको 1 बजे तक की मिल जाएगी। और ऐसा मत सोचना कि आपको यहाँ पे रात को कोई देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रात का माहौल अलग ही होता है, कि आपको यहाँ पे खाली लोग ही लोग देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे बड़े बड़े गणपति मंडल है, जहाँ पे आपको गणपति और उनके डेकोरेशन देखने मिलेंगे। और मैं इसके बाद जाने वाला अभी, जैसे कि लालबाग के बाद अभी मैं जाने वाला हूँ गणेश गली, मुंबई का राजा जो हमें स्टार्टिंग में मिला था, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे दर्शन करके मैं घर पे जाने का प्लान बना। और भी कई सारी गणपति है जहाँ पे आप जा सकते हो। और अगर खाने पीने का अगर बोला जाए तो आपको आसपास में छोटे मोटे कैंटीन देखने मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको खाना नाश्ता वगैरह मिल जाएगा दिन हो या रात, आपको रात में भी कोई डरने की जरूरत नहीं, आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। और गणेश गली के दर्शन होने के बाद हम लोग जाएंगे घर, और हम लोग ने जो 20 रुपये का टिकट निकाला वो रिटर्न टिकट है, उसी टिकट में मैं जाऊँगा अभी घर। अभी फिलहाल के लिए मैं आगे निकलता हूँ, और आपको आगे कैसे घर जाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ से आए बाहर, अब यहाँ से आके आगे निकलते हो बाहर, तो हमें घर जाने के लिए वापस यहीं से आगे जाना है। बड़ा सिग्नल आएगा जो वहाँ से लेफ्ट लेना है, आपको सेंट्रल के लिए पहला लगेगा करी रोड, और अगर लोअर परेल से जाना है, अगर वेस्टर्न लाइन में रहे तो आगे लगेगा आपको लोअर परेल। आप किससे भी पूछ सकते हो, रोयल परेल से आपको दादर के लिए बहुत सारे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दूं। और होप करता हूं कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।